हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि मार्कशीट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। सो हाउ टू प्रिपेयर मार्कशीट, यही हम देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। तो ये देखिए, एक्सेस मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट। तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आ जाइए। यहाँ पर आपको दो व्यूज दिखेंगे, एक डिजाइन व्यू, एक डेटाशीट व्यू। आपको डिजाइन व्यू में जाना है। यहाँ पर आप कोई नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल मार्कशीट नेम दे देता हूँ, चेंज कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं इंग्लिश में देता हूं मार्कशीट। एंटर प्रेस किया हमने। अब यहां पर देख सकते हैं ये प्राइमरी की है। ये मैं पहले की बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। यहां पर हमें देना है रोल नंबर, स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो यहां पर आ जाएगा। और रोल नंबर को मैं यहां पे ऑटो नंबर रख रहा हूं। ऑटो नंबर को कैसे कंट्रोल करना ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। अभी आते हैं यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहां लिखता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट कौन सा डेटा टाइप होता है, टेक्स्ट डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट डेटा टाइप भी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डेटा टाइप आपको दिख जाएंगे, टेक्स्ट डेटा टाइप हमें सेलेक्ट करना है। तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप हमने ले लिया। और यहाँ पर आप उन तमाम सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो सब्जेक्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं। तो पहला सब्जेक्ट मैंने कंप्यूटर ले लिया। और यहाँ पर आपको नंबर डेटा टाइप रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी हमें क्वेरी बनानी है और कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर डेटा टाइप ही रखना है। चलिए कंप्यूटर हो गया। मैंने स्टडी की थी बायोलॉजी, तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी लिख देता हूँ। आप कोई और भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ नंबर कर दिया मैंने। फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश। ओके, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से नंबर डेटा टाइप बना लेंगे। ये कर लिया हमने नंबर, और यहाँ से कर लिया नंबर। यहाँ से हम इसको भी नंबर डेटा टाइप बना लेते हैं। और यहाँ पर हम ऑब्टेन्ड मार्क्स करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त किया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स। ओके, और यहां पर फिर हम कर देंगे नंबर डेटा टाइप। तो यहां से कर दिया नंबर डेटा टाइप। और यहां पर अब हम करेंगे परसेंट, कितना परसेंट जो है स्टूडेंट ने गेन किया वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी नंबर डेटा टाइप रखना है, लेकिन आपको फॉर्मेट यहां से बदलना पड़ेगा। चूंकि ये एक्सेस है, तो आपको यहां पर आकर के, यानी कि जनरल में आकर के, और यहां पे परसेंट, फॉर्मेट हमारा क्या है, परसेंट है। तो यहां पर आपको लिखना होगा परसेंट। तो ये लिख दिया हमने। अब फिर यहाँ पर एवरेज भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया एवरेज भी, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सारी चीजें करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल। तो इसको ध्यान से देखिएगा, और इसको हम डबल बना लेते हैं एवरेज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रेड कर देते हैं, ठीक है। ये कर दिया ग्रेड, और ग्रेड भी जो क्या है, नंबर डेटा टाइप होगा, ठीक है। और यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी टाइटल के रूप में। पहले इसे सेव करना होगा, तो यहाँ से सेव कर लेता हूँ मैं। और ये देखिए, ये सारी चीजें आपको टाइटल के रूप में डिस्प्ले हो रही हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेरी बनानी है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेरी कैसे बना सकते हैं हम। यहाँ क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। यहाँ से ये देखिए दो चीजें दी हुई हैं, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन। आपको क्वेरी डिजाइन पे जाना है। यहाँ पे शो टेबल वाला ऑप्शन आएगा, और यहाँ से ऐड कर दीजिए इसको। अब इन जो टेबल्स को, जिस टेबल को आपने ऐड किया है, वहां से एक एक करके आप इंसर्ट कराइए, या यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके और एक ही साथ इंसर्ट करा सकते हैं। फिलहाल मैं एक एक करके इंसर्ट कराता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर को पहले ले लिया हमने, फिर यहाँ डबल क्लिक किया तो स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, कंप्यूटर आ गया, बायोलॉजी आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, इंग्लिश, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंट, एवरेज और ग्रेड। तो इतनी सारी चीजें जो जो हमने लिया हुआ था, वो सारी चीजें यहाँ पे इंसर्ट करा चुके हैं हम। अब यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स की बात करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ जूम व्यू पे लेता हूँ मैं, ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े। सबसे पहले आप कोलन लगा लीजिए। कोलन लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए। जो भी काम करना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट में करना है। और यहाँ से आप सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर है, तो यहाँ कंप्यूटर लिखता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूँ। क्योंकि हमें ऑपरेटर लगाना है, तो ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही लगाइएगा हमेशा। और यहाँ पे बायोलॉजी दूसरा सब्जेक्ट है, तो वो ले लिया मैंने, प्लस का निशान लगाया। अब तीसरा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है, तो उसको भी हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिजिक्स। ओके, तो ये लिख लिया फिजिक्स, और प्लस का निशान लगाया हमने। ओके,
और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। अब यहाँ परसेंट की बात है तो परसेंट हम निकालते कैसे हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे कोलन लगाइए और यहाँ पर ले लीजिए आप ऑप्टेंड मार्क्स, क्योंकि ऑप्टेंड में ही आपका परसेंट छिपा होगा, यहीं से आपको कैलकुलेट करना होगा, यहीं से परसेंट निकल करके आएगा। ठीक है, तो ऑप्टेंड मार्क्स ले लिया हमने, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि परसेंट 100 पे ही निकलता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुल मिला के 5 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो 5 सब्जेक्ट 500 मार्क्स के हो गए, तो इसको ओके कर दीजिए। बस इतना करने के बाद फिर एवरेज पे आएंगे, तो एवरेज जैसा कि आप पुराना मेथड जानते हैं एवरेज का, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा ऑप्टेन मार्क्स है इसी के बेस पे एवरेज भी कैलकुलेट होगा, तो ऑप्टेन मार्क्स अपॉन कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये ऑप्टेन मार्क्स भी आ जाएगा। अब यहाँ ग्रेड में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान से समझिएगा ग्रेड को, नहीं तो आप ग्रेड नहीं निकाल पाएंगे। तो ग्रेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इफ, एक्सेल में इफ से काम चल जाएगा लेकिन इसमें आई इफ लगाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होगा और एवरेज को पकड़ेंगे हम, तो यहाँ एवरेज लिया, एवरेज ओके, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85। मैं 85 से स्टार्ट करता हूँ। कंप्यूटर साइंस में बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रेड जो होता है वो एस ग्रेड होता है, तो यहाँ एस ग्रेड लगा दिया मैंने, फिर आई इफ लगाया हमने, और इसके बाद फिर यहाँ पर आई इफ लगाने के बाद एवरेज को लिखेंगे, और हर बार आपको एवरेज ही लेना है। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम 85 कर चुके हैं, आप 75 लगाते हैं, 75 पर ए ग्रेड आएगा। ठीक है, और कॉमा देंगे, आई इफ फिर लगाएंगे, और यहां पर कर दिया हमने बी ग्रेड। ठीक है, और फिर आई इफ लगाया हमने और एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 करेंगे, अब चूंकि हम 65 तक आ चुके हैं तो अब यहां 55 करेंगे, और यहां पे दे देंगे हम सी ग्रेड, एट लास्ट डी ग्रेड होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि दो कंडीशन होती है जब लास्ट में इफ की बात करेंगे हम, तो या तो ट्रू या तो फॉल्स की कंडीशन होती है, अभी तक तो हम नेस्टेड इफ लगाते आए, अब लास्ट वाले इफ की बारी है, तो यहां पर फिर एवरेज लगाएंगे, एवरेज क्लोज किया स्क्वायर ब्रैकेट को, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 50 करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो तो यहां पर डी ग्रेड आ जाए, अदरवाइज इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो यहां पर कौन सा ग्रेड आ जाए, फेल्ड हो जाए बच्चा, तो यहां पे एफ आई एल ई डी लिख दिया हमने। और इसको यहां से क्लोज कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, कितने ब्रैकेट क्लोज करने हैं, 5 ब्रैकेट क्लोज करने हैं, तो 2, 3, 4 और 5, और ये जो फेल्ड है इसमें आपको कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना है, इसको हटा दीजिए आप, और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए। बस अब आपका पूरा जो क्वेरी है वो तैयार है, यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए और ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ये कैसे डिस्प्ले होंगी, आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट आप देख रहे हैं, अब आपको सिर्फ नेम टाइप करना है, यहां पे नेम टाइप कीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने नेम टाइप किया राम। ठीक है, और राम के सपोज कीजिए कंप्यूटर साइंस में मार्क्स आए 66 और बायोलॉजी में मार्क्स आए 67 और केमिस्ट्री में आया 77 और 56 नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट में और इंग्लिश में मार्क्स आ गए 67। ठीक है, अब देखिए ऑप्टेन मार्क्स परसेंट ये सारी कुछ चीजें अपने आप आ जाएंगी, ये देखिए कैलकुलेशन, और ग्रेड भी अपने आप। तो ये वो तरीका है जिससे आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहां पर देख सकते हैं ये तीन लोगों का हमने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए हैं, तीन लोगों के मार्क्स एंटर किए हैं और ये तीन लोगों के परसेंटेज वगैरह सब कुछ निकल करके आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और किसी स्टूडेंट का मार्क्स मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिखता हूँ प्रिया और इनके मार्क्स यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, जो भी मार्क्स इन्हें मिले होंगे वो मार्क्स यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका भी ग्रेड आ चुका है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए इस नंबर को आप चेंज करेंगे तो ग्रेड भी अपने आप चेंज हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 99 हो गया, तो अभी देखिए इनका बी ग्रेड है, जैसे 99 किया यहाँ पे ग्रेड भी चेंज हो गया और ये सब कुछ अपने आप चेंज हो गया। तो ये वो ट्रिक है जिससे आप ये क्वेरी बना सकते हैं। ठीक है, इसे मैं बोल्ड कर लेता हूं और अब हम आ जाते हैं फॉर्म डिजाइन करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ से हम फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तमाम तरीके दिए हुए हैं, फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म, मल्टीपल आइटम्स, पाइवोट चार्ट, ब्लैंक फॉर्म, मोर फॉर्म। तो हमें अभी चलना है मोर फॉर्म पे। मोर फॉर्म पे चल के फॉर्म विजार्ड पे चलेंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं क्वेरी वन ही रहने देता हूँ। और ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। डेटा आपको किस फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में, कॉलमर फॉर्म में चाहिए या फिर डेटा शीट व्यू में चाहिए, जैसा भी आपको डेटा चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। मैं फिलहाल टेबुलर फॉर्म में रख लेता हूँ डेटा को। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कोई भी स्टाइल आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, मैं फिलहाल यही रहने देता हूँ। और यहाँ पर अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे ही मैं रखता हूँ। और ये जो है हमारा पूरा का पूरा मार्कशीट एक तरह से डिजाइन होकर आ गया है। ये सारे स्टूडेंट का मार्कशीट है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये कंप्यूटर पूरा पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बायोलॉजी पूरा पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इसको करने के लिए आप आ जाइए वापस से डिजाइन व्यू में। अब डिजाइन व्यू में आकर के आपको करना क्या है वो समझिए। यहाँ से इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से इसको भी नीचे करता हूँ, और यहाँ से इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं हो रहा है पूरा पूरा, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट काफी बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये नेम ऑफ स्टूडेंट छोटा हो जाएगा और यहाँ से कंप्यूटर को थोड़ा बड़ा करना होगा आपको, ठीक है। और इस चीज को, ये जो पार्ट है इसको आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। यहाँ पे ग्रेड देख सकते हैं आप, एवरेज देख सकते हैं, परसेंट देख सकते हैं और मार्क्स। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी, ये देखिए ये जो मार्क्स है ना इसको हमें उठाना है यहां से, और इसको थोड़ा यहां से बड़ा करना है, ठीक है। ये देखिए ऑब्टेन मार्क्स है, ये पूरा पूरा लिखा हुआ, तो ये पूरा पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा था लेकिन अब पूरा पूरा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश है तो इसको भी बड़ा करना है, तो यहां पर एक काम करता हूं मैं, ऑब्टेन मार्क्स जो है इसको यहां से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और इधर से थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, तो ये ऑब्टेन मार्क्स आपको पूरा पूरा डिस्प्ले होने लगेगा। इंग्लिश भी पूरा पूरा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और यहां से छोटा करते हैं, ओके, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके। अब इंग्लिश को भी छोटा कर लेते हैं यहां से। तो ऐसे करके जब हम छोटा करेंगे तो हम साइज को एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया, इसी तरह से फिजिक्स को और बायोलॉजी को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी की पूरी मार्कशीट जो है डिजाइन हो गई है और यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से डिस्प्ले होने लगा है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और इसमें चाहे तो हम थोड़ा कलर भी लगा सकते हैं, कलर कैसे ऐड करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं एक एक कॉलम में हम चाहे तो एक एक कलर ऐड कर सकते हैं, ये क्वेरी, ठीक है। और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पहले ग्रिड लाइन बना लेते हैं। तो ये बोथ पे क्लिक कीजिएगा, ये ग्रिड लाइन बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरीके से आपका मार्कशीट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हम सर्च बॉक्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये फुटर का पार्ट है, ठीक है। आप चाहे तो फुटर के पार्ट्स का यूज करके सर्च बॉक्स बना सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम एक सर्च बॉक्स बना लेते हैं या फिर हेडर के पार्ट्स पे भी हम सर्च बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल फुटर के पार्ट पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये एक सर्च बॉक्स होगा जहां पर आप क्लिक करके पूरा सर्च बॉक्स बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने और यहाँ हमें क्वेरी के बेस पे देखना है, तो यहाँ क्वेरी कर दिया हमने, कर लेता हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैं स्टूडेंट नेम कर लेता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीजें आ रही हैं, तो हमें ये सारी चीजें नहीं लेनी है, ठीक है। इन सबको पहले मैं इधर कर देता हूँ और सिर्फ एक चीज स्टूडेंट नेम मैं ले लेता हूँ और यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ। और स्टूडेंट नेम लिया हमने, ओके प्रेस किया और ये नेक्स्ट। और अगर आप चाहे तो इसमें यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे हम और इसको कहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट वाले कॉलम में ही लेना है,
और यहां से फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको कॉम्बो 23 दिखेगा। हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं सर्च, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने SEARCH, सर्च लिख दिया। और हम स्टूडेंट के नेम के बेस पे सर्च करेंगे, ये देख सकते हैं आप। और यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए, यहां पे देख सकते हैं नीचे ये सर्च लिखा हुआ है और यहां स्टूडेंट का नाम आ रहा है राम। आप जिस भी स्टूडेंट का नाम सर्च कीजिएगा ये जो एरो है वहां पहुंच जाएगा अपने आप। जैसे प्रिया मैंने सर्च किया तो देखिए ये जो है प्रिया वाला ऑप्शन जो है हाईलाइट होने लगा, ठीक है। इसी तरह से अवनीश हम करेंगे तो अवनीश वाला ऑप्शन यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और हाईलाइट हो गया है। मैं फिर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर मैं राम को सेलेक्ट करता हूँ तो ये राम वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईलाइटर जो है यहाँ पर आ चुका है और ये अपने आप हाईलाइट हो जा रहा है। इसमें चाहे तो आप कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हम रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट स्टूडेंट की मार्कशीट डिजाइन कर सकते हैं। ये तो एक मार्कशीट रही, हम सेपरेट भी डिजाइन कर सकते हैं मार्कशीट को। यानी कि अगर हम क्लिक करेंगे शो मार्कशीट नाम का एक बटन बनाएंगे, अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक स्टूडेंट की पूरी मार्कशीट का डिटेल आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है एक्सेस में। तो अगली वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।